Sorry for the disturbance, children. Let's continue this in this video, the same topic. Right. Children, object here is above the principal axis. So here it should be positive. This image, children, is also going above the principal axis. So this is also positive. Now V. Children, V is going on the right hand side. Can you see it? It is going from pole to image. So V is positive. U is going from pole to object. That is on the left side. So U is negative. F is going from pole to focus. So it is negative. R is going again in left. देखो बच्चों, जो लेफ्ट साइड में जा रहे हो उन्हें नेगेटिव लिख दो, जो राइट साइड में जा रहे हो उन्हें पॉजिटिव लिख दो. इसके अलावा भी बेटा मैं आप सबको कुछ कन्वेंशंस लिख के दे रही हूं, वो आप लर्न भी कर सकते हैं सो दैट यू कैन यूज देम इन द न्यूमेरिकल्स. लाइक आई टेल यू, इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर द साइंस यू कैन डू इट लाइक दिस. फॉर अ कॉनकेव मिरर U is negative, F is negative, H is positive, V can be anything, positive and negative both, H dash can be both positive and negative. But for a convex mirror, children, U is negative, V is positive, F is positive, H is positive, H dash is positive always. जिन बच्चों को साइन कन्वेंशन लर्न करने में थोड़ी भी मुश्किल हो, नहीं समझ में आता लेफ्ट राइट कैसे देखना है, वो ये कन्वेंशन हमेशा के लिए याद कर लें. आपको नोट्स में भी भेजूंगी, अपनी कॉपी में भी इसको लिख लें. नाउ चिल्ड्रन, आई स्टार्ट विद मिरर फॉर्मूला. इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी 3 नंबर में आता ही है. क्या है मिरर फॉर्मूला, सुनो. फॉर्मूला इज 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, वेयर F इज फोकल लेंथ, V इज इमेज डिस्टेंस एंड U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अलोंग विद दिस वी राइट चिल्ड्रन मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाई करना. मैग्नीफिकेशन का सिंबल है बेटा M. इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट. यानी मैग्नीफिकेशन होती है H डैश बाय H, size of image to size of object, which is equal to by formula minus V by U. तो magnification का formula है बेटा H dash by H, जो कि किसके बराबर है, minus V by U. तो आपने mirror formula और magnification दोनों formulas अच्छी तरह याद रख लें. पहले मैं आपको magnification से related कुछ चीज़ें बताती हूँ. Let us see here. ये जो magnification है बेटा, ये दो टाइप की होती है, ध्यान से सुनो. या तो ये हो सकती है पॉजिटिव या ये होती है नेगेटिव. अगर आपको मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव दिखती है तो इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज होती है रियल एंड इन्वर्टेड ऑलवेज. जैसे ही आप देखें मैग्नीफिकेशन -2, 2 को छोड़ो, नेगेटिव देखते ही लिख दो रियल इन्वर्टेड. अगर आप देखते हैं +1/3, 1/3 को छोड़ो पहले, प्लस देखते ही लिख दो वर्चुअल एंड इरेक्ट. अब आ जाओ वैल्यूज पे. अकॉर्डिंग टू वैल्यूज मैग्नीफिकेशन 3 टाइप की होती है, या तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 होती है, या मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होती है, या मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है. अगर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 है, मैग्नीफिकेशन क्या है बेटा, H डैश बाय H, अगर H डैश बाय H इक्वल टू 1 है बेटा तो H डैश इक्वल टू H है, यानी साइज ऑफ इमेज
इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, अगर मैग्निफिकेशन वन है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है बेटा एच डैश बाई एच, एच डैश बाई एच अगर वन है तो यानी दोनों का साइज सेम है। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस देन वन का मतलब एग्जाम्पल वन बाय टू है, वन बाय थ्री है, वन बाय फोर है। यानी अगर एच डैश बाय एच लेस देन वन है तो एच डैश लेस देन एच है, यानी साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो इमेज कैसी हो गई है, स्मॉलर। साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। देन वी कम टू मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन। क्या वैल्यूज हो सकती हैं भाई, दो, तीन, चार, पाँच, दस, इस तरह से। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन है यानी एच डैश बाय एच ग्रेटर देन वन है, यानी एच डैश ग्रेटर देन एच है। इसका क्या मतलब है, साइज ऑफ इमेज इज मोर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज मोर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन दिस पेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड सी द रिकॉर्डिंग वंस ट्वाइस थ्राइस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, राइट। आइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आता है, मैग्निफिकेशन है माइनस वन, वॉट डज इट सिग्निफाई। सबसे पहले देखो बेटा, मैग्निफिकेशन में दो चीजें दिखनी चाहिए तुम्हें, दोनों को अगर एक साथ प्रिडिक्ट करोगे तो नुकसान में रहोगे। मैग्निफिकेशन माइनस वन का मतलब है दो चीजें दिख रही हैं, माइनस अलग दिख रहा है, वन अलग दिख रहा है। माइनस का मतलब क्या हो गया, इमेज कैसी है बेटा, रियल और इन्वर्टेड। और वन का मतलब साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अब मान लो ऐसा आ जाए, मैग्निफिकेशन इज प्लस थ्री, तो आपको दो चीजें दिख रही हैं, ओके बेटा, प्लस भी दिख रहा है, थ्री भी दिख रहा है। प्लस का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, और थ्री का मतलब साइज ऑफ इमेज इज थ्री टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। और देखो, मान लो मैग्निफिकेशन आ जाए माइनस वन बाय थ्री, आप बताएंगे मुझे, यस, माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और वन बाय थ्री वन से कम है, यानी इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और भी अच्छा बताना चाहो तो आप बता सकते हो, इमेज इज वन बाय थ्री टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर अबाउट इट? कुछ मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी आपको ग्रुप में पूछूंगी, चलें। अब एक दो क्वेश्चन बेटा मिरर फॉर्मूला के भी कर लेते हैं, ताकि उसके बाद हम ग्रुप में कुछ प्रैक्टिस कर सकें। मिरर फॉर्मूला पे मान लो बेटा क्वेश्चन आता है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। चलिए, एक ऑब्जेक्ट पड़ा है 20 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बेटा लिखते हैं u। पहले तो आप टर्म सीखो किसको क्या कहते हैं। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 20 सेंटीमीटर का मतलब u 20 सेंटीमीटर हो गया। अगर आपको साइन कन्वेंशन याद है जो मैंने लिखी थी, तो आप देखेंगे, देखो कॉन्वेक्स में u की वैल्यू नेगेटिव होती है हमेशा, राइट। तो आपने u को लिख दिया माइनस 20। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी मैंने आपको बताई कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है, पॉजिटिव। तो आप यहां लिखेंगे फोकल लेंथ इज प्लस 10। आपने निकालना है बेटा इसमें v, क्या फॉर्मूला है, 1 बाय एफ इज 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। चिल्ड्रन, एफ इज 10,
वी आपको निकालना है, यू है माइनस 20, ब्रिंग इट दिस साइड, 1/10 प्लस 1/20 इज 1/V, एलसीएम 20, 2+1 इज 1/V, 3/20 इज 1/V, वी कम्स आउट टू बी 20/3 सेंटीमीटर। आपकी मर्जी है डेसिमल में छोड़ दें, आपकी मर्जी है इसको फ्रैक्शन में रहने दें, राइट। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। एक और करवाऊंगी अभी, फिर ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। आओ मान लो दूसरा क्वेश्चन बेटा इस तरह से आता है, लुक एट इट केयरफुली। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज केप्ट एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। चलिए केयरफुली देखेंगे बेटा मेरी तरफ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट के साइज को क्या बोलते हैं बेटा, एच। तो एच आ गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर, राइट। नाउ इट इज केप्ट एट 20 सेंटीमीटर, तो यू कितना हो गया, माइनस 20 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15, एफ कितना हो गया, माइनस 15 सेंटीमीटर। आपको वी भी बताना है और एच डैश भी बताना है, ठीक है। आओ बेटा मिरर फॉर्मूला है, 1/F इज 1/V प्लस 1/U, एफ है 15, वी निकालना है, यू है माइनस 20। दिस विल कम दिस साइड, माइनस 1/15 प्लस 1/20 इज 1/V, एलसीएम 60, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1/60, इसलिए वी कितना आ गया बच्चों, माइनस 60 सेंटीमीटर। वॉच द कैलकुलेशंस वेरी केयरफुली, अपने हाथ से भी यही क्वेश्चन करके देखें आप, ओके। देन मैग्निफिकेशन इज एच डैश बाय एच विच इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। एच है आपके पास 5, माइनस माइनस प्लस 60 हो गया, यू है आपके पास माइनस 20, तो एच डैश आ गया माइनस 15 सेंटीमीटर, राइट। माइनस 15 है, वो था 5, नेगेटिव का मतलब दिस इज रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर इन साइज। लार्जर क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर था और इमेज 15 सेंटीमीटर आई है। दोनों न्यूमेरिकल बड़े केयरफुली देखो, अपनी कॉपी में कॉपी करो, और इसके जैसे सेम न्यूमेरिकल हम ग्रुप पे और अभी आपसे करवाएंगे, राइट। वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड आई सजेस्ट एवरीबडी, क्योंकि ये चैप्टर मिड टर्म में आना है, अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। गुड बाय फॉर नाउ, सी यू इन द स्टडी ग्रुप।